दोस्तों विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए हुए। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रवीण है, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे स्निपिंग टूल के बारे में, जिसकी मदद से आप विंडोज 10 में बहुत ही इजीली स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। काफी ज्यादा हैंडी टूल है, इनफैक्ट मैं खुद भी उसे यूज करता हूं। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में स्निपिंग टूल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम आगे अपने विंडोज 10 के होम स्क्रीन पे। तो स्निपिंग टूल को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है स्निपिंग टूल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, लाइक न्यू मोड सेलेक्ट का डिले ऑप्शन से क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, लाइक आप विंडो पे क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी डल हो गई है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने एक जो कर्सर है वो भी प्लस साइन का आ गया है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है उस पार्ट को जहाँ पे आप कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। सपोज मैंने इतने चीज़ का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। अब इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करना है, मुझे छोड़ना है क्योंकि मैंने उसे होल्ड करके रखा है। तो जैसे ही मैं उसे रिलीज करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ गया है। एंड इस स्क्रीनशॉट में आप काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो यहाँ पे आपको पेन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का, आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो यहाँ से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं एंड अगर आपको इरेज करना है तो इरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं एज ए इमेज। तो यहाँ पे आपको फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कंट्रोल प्लस एस करके भी इसे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। एंड जब आप सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्क्रीनशॉट सेव हो गया एज ए इमेज। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसका दूसरा फीचर जो कि स्निपिंग मोड। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोड मिलेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ विंडो स्निप। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक हैंड आ जाएगा। अब जब भी आप इस पे टैप करते हैं, मतलब लेफ्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके पूरे विंडो का जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों अब आपके पूरे विंडो का जो स्क्रीनशॉट है वो आ गया। अगर आपको फुल विंडो का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जिस भी आप स्क्रीन पे हैं उसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, इस मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक फ्री फॉर्म स्निप है, उसको मैं यूज़ करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया, अब मैं इस पे न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप फ्री हैंड मतलब आप किसी भी शेप का आप एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। सपोज मैंने कुछ इस शेप का लिया है, अब जब मैं अपने माउस को रिलीज करूँगा, लेफ्ट बटन को रिलीज करूँगा, तो कुछ इस शेप का आपको दिख जाएगा। एंड स्क्रीनशॉट को भी आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब बात करते हैं डिले फीचर का। तो डिले फीचर पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी कोई डिले नहीं है। तो इस डिले का ये मतलब है कि जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो कितने देर बाद आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सपोज मैं यहाँ पे 2 सेकेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब जब मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे 2 सेकेंड के बाद वो स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर पाऊँगा। सपोज मैंने न्यू पे क्लिक किया एंड मुझे 2 सेकेंड बाद, देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सेकेंड के बाद मेरे को ऑप्शन मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, आप जाके यहाँ पे ऑप्शंस में जाके काफ़ी सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर बताता हूँ जो कि मैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सपोज आपने कोई एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप करके डीले को मैं नो डीले कर देता हूँ एंड न्यू पे मैंने क्लिक किया, एक सिंपल मैंने कोई स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं स्क्रीनशॉट को सेव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली इसको कहीं पे सेंड करना। तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ बिना सेव किए किसी भी इमेज को करना है। तो यहाँ पे आपको जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कंट्रोल सी करना है, तो ये आपका जो इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज मेरे को व्हाट्सएप पे इसे सेंड करना है तो मैं चैट पे जाके कंट्रोल वी कर दूंगा तो व्हाट्सएप पे ये चीज़ शेयर हो जाएगी, जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर हो जाएगा।
अब मैं आपको वर्ड फाइल पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल वी किया दोस्तों, तो अब ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है, बिना मैंने किसी इमेज को सेव किए यहाँ पे स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, इसे आप ज़रूर से यूज़ करें। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको स्निपिंग टूल को यूज़ करना आ गया होगा। एंड आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपको इस टूल के बारे में पहले से पता था कि नहीं पता था। एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड विंडोज़ 10 के ऊपर और भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप जाके ज़रूर से चेकआउट करें। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।